यहाँ मंच पर मौजूद परिसंघ के नेतागण और परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे दोस्त और बड़े भाई डॉक्टर उदित राज अरविंदर जी, यहाँ बाकी सामने बैठे देवियों सज्जनों भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा डॉक्टर उदित राज को और परविंदर जी को खास तौर से, जिनकी मेहनत से आज ये कार्यक्रम होना संभव हो सका। डॉक्टर उदित राज को इसलिए कि इन्होंने जिस चीज़ की पहल की है ये बहुत अनिवार्य है, बहुत पहले होना चाहिए था। आज परिस्थितियां देश में ऐसी हैं कि जब किसी ने नहीं किया तो डॉक्टर उदित राज जो कहीं भी नाइंसाफी, कहीं भी किसी गलत बात को देखकर बर्दाश्त नहीं करते, उन्होंने इसे इस बात पर पहल करने का फैसला किया। और आज यहाँ पर मुझे यकीन है कि जितने लोग मौजूद हैं, ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ कि किसी न किसी संगठन का नेतृत्व तो करने वाले लोग हैं ज़्यादातर, यहाँ से ऐसा ऐतिहासिक कदम और एक ऐसी ऐतिहासिक लड़ाई का शुरुआत होने जा रही है जो आज इस देश के अंदर परिस्थितियाँ बनी हुई हैं इसको बदलने का, और दलित, ओबीसी और माइनॉरिटीज़ के अधिकारों को हासिल करने के लिए एक लड़ाई का एक क्या कहना चाहिए कि निर्णायक लड़ाई का एक पहल होने जा रही है। इसमें मुझे कोई भी संकोच नहीं है कहने में। डॉक्टर उदित राज ने अपने भाषण में शुरू में, इस सम्मेलन के शुरू में कुछ बातों की तरफ संकेत किया था, मैं थोड़ा सा उसी के ऊपर आप लोगों को बताना चाहूँगा। जो चुनौतियाँ आज इस देश के गरीबों के ऊपर, दलित, ओबीसी और माइनॉरिटीज जिसका एक सबसे बड़ा हिस्सा है, उनके ऊपर जिस तरह के हमले चारों तरफ से हो रहे हैं, उसकी तरफ आप लोगों का ध्यान ले जाना चाहूँगा, क्योंकि जब लड़ाई शुरू होगी तो आपका ध्यान सब चीज़ों की तरफ रहे। भाइयों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस देश का जब संविधान लिखा गया डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में, उसके अंतर्गत जिस तरह के हम लोगों को, हमारे अधिकारों को जिस तरह से सुरक्षा देने का काम हुआ है, उसकी वजह से इस देश के अंदर पिछले 70 सालों में दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक जो बहुत सबसे कमजोर हालत में थे और आज भी बहुत खराब हालत में हैं, उनके अधिकार कुछ ना कुछ बचे रह रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही जो शासक वर्ग हैं, जो 15% लोग हैं जिनकी बात बार बार होती है, उन्होंने कुछ ना कुछ इस तरह से किया कि आपके अधिकार मिलने में कहीं देरी हो, कहीं आप तक पहुंच ना पाए। मंडल कमीशन का डॉक्टर साहब ने जिक्र किया, हम सब जानते हैं मंडल कमीशन की सिफारिशों के चलते ओबीसी को, पिछड़ों को जो रिजर्वेशन मिला, उससे पहले एक और कमीशन बना था, फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, काका कालेलकर कमीशन, उसकी सिफारिशें पड़ी रही ठंडे बस्ते में। मंडल कमीशन की भी सिफारिशें 10-15 साल पड़ी रही, वो तो श्री वीपी सिंह को, हम लोगों को वो करना चाहिए, उनको उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने इसको लागू किया और देश के अंदर एक नई राजनीति का पहल हो सकी। लेकिन उसी के साथ हमारे देश के अंदर जो अगली सरकार बनी, उसने उदारीकरण और निजीकरण की उन नीतियों को चलाया, जिसके चलते फिर सरकारी नौकरियां घटने लगी, सरकारी नौकरियों का निर्माण बंद हो गया और सब काम निजी क्षेत्र में जाने लगा, और फिर ठेकेदारी की प्रथा, और फिर हमारे नौजवान शिक्षित जो है वो बेरोजगार ही रहे, या रोजगार मिला भी तो इतना कम कि अपना जीवन चलाने में असमर्थ, अपनी जान देते रहे खेतों के अंदर, मजदूरों की लड़ाइयों में सब जगह, लेकिन हमें अधिकार ठीक से नहीं मिल सका। और उसी के चलते आज विश्व के अंदर ऑक्सफैम एक इंटरनेशनल एक संगठन है, उसकी अभी रिपोर्ट आई है कुछ सप्ताह पहले, जिसमें ये कहा गया है कि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा गैर बराबरी बढ़ रही है। 1% जो पैसे वाले लोग हैं उनके पास इस देश का 80% से ज़्यादा पूंजी है। इस हालत में अपने अधिकार को लेने के लिए अब 80% से ज़्यादा लोग जब 20
प्रतिशत से कम पूंजी के अंदर लड़ने का और अपने जीवन गुजारने की कोशिश में लगे हैं, तो इस संगठन के जरिए और ये वर्ग दलित ओबीसी और माइनॉरिटी अगर इकट्ठे हो जाएंगे और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने लगेंगे तो जरूर एक न्यायपूर्ण समाज बनाने में और एक मजबूत देश का निर्माण करने में हम लोग कामयाब हो सकेंगे। इस बात को अगर ध्यान में रख के हम लोग इस लड़ाई को ये मान के कि इस लड़ाई को हमें निर्णायक तौर तक ले जाना है और इसे हमें जीतना है, इसके लिए आज मन बनाना होगा और हम लोग जो यहाँ बैठे हैं जो जो संगठनों को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उसके अलावा हम अपना सब दायित्व माने कि और कई कई संगठनों को लाए देश भर से अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वालों को और इस लड़ाई को बढ़ाते जाए। जितनी बार हमारा सम्मेलन हो उतनी बार नए संगठनों के रजिस्ट्रेशन हो, पूरे देश के अंदर एक मैसेज जाए कि दलित ओबीसी और माइनॉरिटी जाग चुका है, अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए खड़ा हो चुका है और डॉक्टर उदित राज के नेतृत्व में हम लोग इस लड़ाई को पूरे देश और हो सके तो पूरी दुनिया तक ले जाने का काम करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।